जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियूज कंटेंट के बारे में। दोस्तों मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते तो आपको रियूज कंटेंट का पूरा समस्या ही खत्म हो जाएगा। आपको जिंदगी में कभी भी रियूज कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। मैं बहुत सारे चैनल्स को देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स रहता है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसको समझ जाते हो और सीख जाते हो तो आपको रियूज कंटेंट का समस्या कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, YouTube से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आगे भी देखने को मिलता रहेगा। और मैंने आपको बहुत सारा वीडियो बना के पहले भी अपलोड करके दे दिया, आप जाकर के देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रियूज्ड होता क्या है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा रियूज्ड, ध्यान से समझिएगा रियूज्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए पहले दोस्तों क्या होता था कि अगर आप किसी का वीडियो पहले कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड करते थे तो जब तक आपको वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता था तब तक आपका वीडियो टेकडाउन नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि यूट्यूब का एक पॉलिसी अपडेट हुआ है, जिसके कारण से अगर आप किसी का वीडियो कॉपी करते हो तो वो आपको भले ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे या ना दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब खुद ब खुद आपको रियूज्ड कंटेंट का ईमेल कर देगा, रियूज्ड कंटेंट बता देगा। तो इससे बचने के लिए, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका चैनल पहले से ही मोनेटाइज है, आप मोनेटाइज चैनल को चला रहे हो लेकिन उस पर आप जो है आप किसी का कॉपी करके डाल रहे हो तो आपको वहां भी प्रॉब्लम आएगा, आपका रियूज्ड कंटेंट आ जाएगा। तो ये चीज जो है दोनों चैनल के लिए अप्लाई होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, आपने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया तो वहां भी आपको रियूज्ड कंटेंट आ सकता है। अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है तो फिर भी आपको रियूज्ड कंटेंट आ सकता है, अगर आपका किसी का कॉपी करते हो तो चलिए आपने इतना तो समझ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि इससे आपको बचना कैसे। अगर आपको रियूज्ड कंटेंट से बचना है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रियूज्ड कंटेंट से जो बचना है तो किसी का भी कॉपी नहीं करिए, ठीक है। किसी का भी कॉपी नहीं करिए, अगर कॉपी करोगे तो रियूज्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी अपडेट हो गया है। अब मान के चलिए आपका ऐसा वीडियो है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपको किसी का वीडियो जो है थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ता है। आप जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आपका वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे कि हो जाता है इसमें एक रोस्टिंग, उसके बाद हो जाता है यहाँ पे रिएक्शन वीडियो, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है एक्सप्लेनिंग वीडियो। तो दोस्तों इस समय क्या होता है कि रोस्टिंग में जैसे कि आप किसी का वीडियो जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप रोस्टिंग वीडियो नहीं बना पाओगे। आप अगर वीडियो बना भी दोगे कैसे भी करके तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो रोस्टिंग में किसी का वीडियो आपको यूज करना पड़ेगा, साथ ही आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो तो वो भी आपको जो है उसमें से किसी का वीडियो लेना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, मान के चलिए किसी यूट्यूबर के बारे में बता रहे हो, न्यूज दे रहे हो, तो उसमें भी आपको उसका वीडियो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टाइप का वीडियो बनाते हो, उसमें यूज करते हो लेकिन अपना वैल्यू एड करते हो उसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपको रियूज का वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा। अगर अप्लाई करते हो तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना वैल्यू एड करना पड़ेगा, मतलब अपना खुद का उसमें स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा, आपका खुद का कॉन्टेंट होना चाहिए, बस आप उसमें थोड़ा सा पार्ट यूज कर रहे हो, जो फेयर यूज पॉलिसी में आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका चैनल पहले से ही मोनेटाइज था और आपको मेल कर दिया गया है रियूज कंटेंट का और आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है, या तो आपका चैनल यहां पे अप्लाई किए हुए मोनेटाइजेशन के लिए लेकिन वहां पे रियूज का प्रॉब्लम आ गया, तो आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतना है जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 30 दिन का समय मिलता है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने चैनल को पूरा चेक कर सकते हो, और फिर आपको देखना है कि आपने कहां पे मिस्टेक किया है, सच में किसी का पार्ट आपने यूज किया, किसी का अपने वीडियो रियूज किया है, तो आपको वहां पे क्या करना है, उस वीडियो को डिलीट कर देना है। अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक यूट्यूब की तरफ से रियूज कंटेंट का वहां पे ईमेल आया और चैनल डीमोनेटाइज हो गया, या तो आपने अप्लाई किया वो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ, तो आप वहां पे जो है अपील कर सकते हो, और अपील करने के लिए आपको वहां पे जो है एक वीडियो के थ्रू भी अपील कर सकते हो, जिसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब आपके चैनल पे लगता है कि बाय मिस्टेक आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे चैनल पे सही में कॉपी है, मैंने कॉपी किया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 30 दिन का टाइम जो आपको मिलता है फिर से अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आप जो है जितने भी सारे आपने कॉपी किया है उस सारे वीडियो को डिलीट कर देना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रियूज्ड है, कॉपी किया हुआ है, तो उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको पूरा का पूरा चैनल फ्रेश कर देना है, फिर आपको 30 दिन का जो टाइम मिलता है उसके बाद आपको अप्लाई करना है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने चैनल को चेक करते हो और वहां पे आपको देखने को मिलता है कि सारा का सारा वीडियो कॉपी ही किया हुआ है, तो आप मोनेटाइजेशन को भूल जाइए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं पे स्टेज पे कोई प्रोग्राम चलता रहता है उसका शूट कर लेते हैं, या तो कोई टीवी पे सीरियल चल रहा था, कोई मूवी चल रहा होता है, उस मूवी को मोबाइल से शूट कर लेते हैं और वीडियो को अपलोड कर देते, वो बोलते हैं कि ये मेरा कंटेंट है। तो दोस्तों ये आपका कंटेंट नहीं है, वो पहले ही किसी का कंटेंट बन गया है। तो इसलिए अगर आप इस टाइप का कंटेंट अपने चैनल में डाल रहे हो और उससे आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रियूज का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे चैनल पे सारा का सारा मेरा ही ओरिजिनल कंटेंट है, मैंने खुद ही वीडियो अपना बनाया, पूरा स्टोरी मेरा है, मेरा पूरा वीडियो स्क्रिप्टिंग मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी वहां पे आपने कोई छोटा सा पार्ट यूज किया है किसी का और उस पर आपको आपको रियूज कंटेंट मिलता है, तो आप अपील करके उस यूट्यूब को बता सकते हो कि हाँ ये मेरा कंटेंट है, आपने बाय मिस्टेक रियूज कंटेंट का मेल कर दिया, मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, तो चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है। तो आप इस तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियूज्ड कंटेंट से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।